राजेश पायलट जी एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। जहां तक स्वर्गीय राजेश पायलट जी की बात है, पायलट साहब ने एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद जब इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उनकी प्रेरणा से वो राजनीति में आए, और जब तक वो जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा करी, कांग्रेस के माध्यम से देश की सेवा करी। और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और जो बिखराव राजस्थान में बीजेपी का है वो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं दिमाग और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को किया जा रहा है।